जर्नल का सब डिवीजन करने की जरूरत क्या थी? आई होप सो दिस मच इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल कि अगर आप जर्नल को सब डिवाइड नहीं करेंगे तो एरर्स लोकेट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जर्नल विल बिकम हाईली वॉल्यूमिनस, तो इट इज बेटर कि धर्मेंद्र बन जाए और क्या कर दें, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। समझ में आया? क्या कर देंगे? टुकड़े टुकड़े। समझ में आ गया? टुकड़े टुकड़े, कुछ टुकड़ों में ही सो कौन खाना खाते तो टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं। चलिए बात समझ में आ गई। तो टुकड़े टुकड़े हमने कैसे किए, आपके पास डायग्राम पूरा है। वी डिवाइडेड ट्रांजेक्शन इन टू मल्टीपल पार्ट चिल्ड्रन, जो भी गुड्स से रिलेटेड होंगे वो चार बुक्स में जाएंगे। बाइंग परचेज बुक में जाएगी क्रेडिट वाली, सेलिंग क्रेडिट पे हुई तो सेल्स बुक, एंड रिटर्न्स हुए तो परचेज डन सेल रिटर्न। कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एनी कैश विच कम्स इन एनी कैश विच गोज आउट, ये कैश बुक में चला जाएगा। और इसके अलावा जितने बचे, जिनका दुनिया में कोई नहीं होता उनका कौन होता है? गूगल। तो यहाँ पे उनका जर्नल प्रॉपर होता है। समझ में आ गई बात पक्का? तो जर्नल प्रॉपर और जर्नल में एज सच प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं है चिल्ड्रन, कोई फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज जर्नल में आप सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, बट जर्नल प्रॉपर में यू राइट ओनली दोज विच डू नॉट अपियर इन सब्सिडरी बुक्स। ये बात सबको क्लियर है? चलिए तो जर्नल प्रॉपर मैंने आपको बनाना सिखा दिया था शायद। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज कैश बुक। आई होप सो सबको पता है कैश बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। रियल, व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ है और आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी तुरंत, सर ये कुछ नया नहीं लग रहा, सर ये जाना पहचाना लग रहा है। अरे याद आया, ये तो मौसा जी के बेटे का छोटा भाई है, ये तो एकदम लेजर है सर। बिल्कुल लेजर है बच्चों, बिल्कुल लेजर है। इसका स्टेटस फर्क है, आई रिपीट, इसका स्टेटस फर्क है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लोगों के लिए मुकेश अंबानी मिलियनेयर होंगे, बट मेरे लिए चाचा जी लगते हैं मेरे। सर कैसे? अरे सिंपल है भाई, आपके भी ताऊ जी चाचा जी लगते होंगे। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके पापा ने ऐसी प्लेस पढ़ी होगी अपने स्कूल में, तो भाई ऑल इंडियन, वो भी इंडियन, आपके पापा भी इंडियन, तो दोनों भाई हो गए, तो आपके चाचा जी हो गए। तो कैश बुक और लेजर जो है इसमें एकदम चाचा जी और ताऊ जी वाला रिश्ता है। खोपड़े में बात गई, एक आपको कॉलम अलग से नजर आ रहा होगा, क्या है बच्चों? ये वाउचर नंबर। सर आज तक जब जर्नल फोलियो खाली रहा, इसकी क्या हैसियत है? ये भी खाली ही रहेगा। समझ में आया? तो इन दो कॉलम्स का कोई काम नहीं है, मैं आपको आने वाले टाइम में डिस्क्राइब कर दूंगा इनका काम कब होगा और कैसे होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, लोग लगा बहुत बड़ा है, छोटा सा बिजनेस है। अब हम अपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, फिर लेजर बना लेंगे। बट अगर बिजनेस बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा, लाखों ट्रांजैक्शंस जर्नल में जब आप लिखेंगे तो इट विल बिकम टू बल्की, बहुत हैवी हो जाएगा। एरर ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्या कर देंगे धर्मेंद्र की तरह? टुकड़े टुकड़े कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो जब ये टुकड़े टुकड़े हो गए तो इसमें कैश के टुकड़े कहां पे रिकॉर्ड होंगे बच्चों? कैश बुक में। सो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जो कॉम्पोजिशन आपने देखा था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे आपको फिर से नजर आने वाली है। तो आई होप सो सबको स्क्रीन पे चीजें नजर आ रही है बच्चों। तो दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट। पर्टिकुलर्स की जगह हम यहाँ पे रिसिप्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, और पर्टिकुलर्स की जगह हम यहाँ पे पेमेंट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। तो सर ये बनेगी कैसे? अरे स्केल और पेंसिल से बनेगी, और कैसे बनेगी? मतलब सर प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन क्या है? जिन बच्चों ने अपने जीवन में लेजर अकाउंट कैश अकाउंट का बनाया है, उन सबको कैश बुक बनानी आती है। तो सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस होगी, एल्स कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अपनी कॉपी में जब तक आपके पास ये नोट्स नहीं आ जाते, आप लिखेंगे हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्रिपरेशन ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। गॉट इट? सो जितनी भी रिसिप्ट होंगी बच्चों, दे विल अपियर ऑन द डेबिट साइड, एंड जितने भी पेमेंट्स होंगे चिल्ड्रन, दे विल अपियर ऑन द क्रेडिट साइड। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल फॉर विच अकाउंट? रियल अकाउंट। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का लॉजिक काम करेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
हाँ एकदम जैसे आप लेजर में कैश अकाउंट बनाते थे, डिट्टो सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ हेडिंग क्या बन गई, कैश बुक बन गई। टिल नाउ इट वॉज अ पार्ट ऑफ लेजर, तो कैश अकाउंट बोलते थे, बट अब ये लेजर का पार्ट नहीं है, अब ये सब डिवाइडेड जर्नल है, तो इसे क्या नाम दे दिया, कैश बुक। इसमें आपको मैं एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र भी दूंगा जो 12th में बहुत काम आएगा बच्चों। बी क्विक बी क्विक बी क्विक। तो कॉम्पोजिशन आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप हेडिंग लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, और कैश बुक के पहले सिंगल कॉलम जरूर लिखिएगा। तो सिंगल कॉलम कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड चिल्ड्रन, ऑल रिसिप्ट्स आर ऑन द डेबिट एंड पेमेंट्स आर ऑन द क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया? तो मैं कंटेंट मार्क कर दे रहा हूं कितना आपको लिखना है, इतना कंटेंट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और उसके बाद जैसे लेजर बनाते थे पेज को सेंटर फोल्ड करके, याद है ट्रिक, डिटो वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ एक कॉलम और एक्स्ट्रा कौन सा हो जाएगा, वाउचर नंबर का। बी क्विक, चलो बी क्विक, चलो एक और लाइन होगी जो बच्चे बोलेंगे सर आपने इस पे फोकस नहीं किया, ओपनिंग बैलेंस इफ एनी शैल बी पोस्टेड इन द यूजुअल मैनर एज स्टडीड इन केस ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री। अभी आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइए, इसका क्या करना है, बात की स्टोरी है। तो आई होप सो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लेजर पढ़ा था तो आंसर इज यस और नो, वेरी गुड। कैश अकाउंट बनाना आता है लेजर में, आंसर इज यस और नो, सिंपल एज दैट। तो अगर आपको कैश अकाउंट बनाना आता है तो आपको कैश बुक भी बनानी आती है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। बच्चे कहेंगे सर नहा धो के आए हैं, अरे मेंटल स्मार्टनेस चाहिए भाई, नहा धो के सरसों तेल तो लगा ही लोगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेंटल स्मार्टनेस चाहिए। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स बॉट फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक तो इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए। फिर अगर मैं पूछूं आपसे परचेज के लेजर में कैसे इसको पोस्ट करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, टू कैश। कुछ लोग लेस स्मार्ट हैं, और कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, समझ में आ गया सर, मतलब अब जर्नल नहीं बनाना, अगर नंबर नहीं कटवाने तो नहीं बनाना, कटवाने हैं तो बनवाना है, चॉइस इज योर्स, समझ में आ गया। तो जब आपको कैश बुक का क्वेश्चन आएगा, जर्नल बनाना अलाउड नहीं है, अगर आपने जर्नल बना दिया टीचर हैज कंप्लीट राइट टू गिव यू अंडा, और इस अंडे का ऑमलेट भी नहीं बनने वाला, डबल नुकसान है, एक तो मिला भी और ऑमलेट बनेगा ही नहीं, तो फिर उबले अंडे को ऑमलेट बनाइएगा। समझ में आ गई बात, सर ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको घूमने जाना है बट पापा मम्मी का हाथ नहीं पकड़ना, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में इन्फेक्शन है, उनके हाथ में भी हो जाएगा। तो अब आपको सीधे मन में जर्नल एंट्री बनानी है और हाथ से पोस्टिंग करनी है, अब डायरेक्ट पोस्टिंग होगी। एक दो क्वेश्चन जरा मैं करा लूं, फिर मैं इसका ब्रह्मास्त्र बताता हूं, आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर लोगे। सर ये कैसे, एक दो क्वेश्चन कर लें फिर मैं आपको बता दूंगा, समझ में क्या, या क्वेश्चन में एक दो ट्रांजेक्शन कर लें, खैर एवरीबडी हैज डन दिस। चलिए बच्चों लेट्स कंटिन्यू। सो बच्चों आपको यहां पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक इन द फॉलोइंग, सॉरी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर चंद्रन 2020 दिसंबर 1st से लेकर 27 तक के ट्रांजैक्शन है, मिल गया सबको पक्का? तो क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन, यू पीपल डोंट हैव द वर्कबुक, नॉट नो नीड टू वरी एट ऑल, आप एक फॉर्मेट और बनाइए, पुटिंग क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 3, अपनी क्लास को कॉपी में लिखिए पेज 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्या ये तो फॉर्मेट नोट्स का काम करेगा ना, तो आप एक और फॉर्मेट बनाएं, मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं वो जो मैनिक्विन ने कपड़ा पहना था उतार के ले आते हैं क्या, अलग से खरीदते हैं ना, वही चीज यहाँ पे भी है, तो वो तो सिंपल है, स्टेटस है। चलिए बी क्विक फॉर्मेट बना लीजिए वेरी फास्ट, आई एम ऑल्सो रेडी। तो एट द टॉप हेडिंग होगी इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 जो भी बिजनेसमैन है, बिलो दैट वी विल मेंशन व्हाट, कैश बुक। सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है बच्चों। चलिए व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट वी सी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लिखना अलाउड नहीं है जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, तो सबसे पहले बताइए इसकी एंट्री क्या होगी, दिमाग में करिए एंट्री, कैश टू कैपिटल। आप समझ में आया इतना झगुआ भर जर्नल क्यों कराया गया था, ताकि आप इन सब में बहुत प्रोफेशनल और फास्ट हो जाएं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर कैश का लेजर अकाउंट बनाते बच्चों व्हाट वी कुड हैव रिटन, एक्सेलेंट आंसर, एवरीबॉडी इज सपोज टू मेंशन टू कैपिटल, व्हाट्स द डेट, फर्स्ट दिसंबर 2020, और
अमाउंट कितना है बच्चों? 80,000. प्लीज रिपीट दिस जर्नल एंट्री. चलन क्या रही होगी एंट्री? कैश टू कैपिटल. तो इन कैश वी हैव रिटन टू कैपिटल. कैपिटल अकाउंट हमारे सामने नहीं है ना हम बनाएंगे. अगर होता तो क्या लिखते? बाय कैश. हमको वो नहीं बनाना है. ठीक. नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश चिल्ड्रन. जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. हैड इट बीन अ परचेज अकाउंट व्हाट वी वुड हैव मेंशन्ड. परचेज अकाउंट में क्या लिखते हैं? टू कैश. परचेज अकाउंट तो है ही नहीं हमारे पास. कौन सा है? कैश. क्या लिखेंगे? बाय परचेज 2020 डिसंबर 7th. व्हाट वी विल राइट? बाय परचेज अकाउंट वैल्यू चलन 25,000. इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? बस यही होती है कैश बुक. नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुरु. जर्नल एंट्री चिल्ड्रन. परचेज टू टीचर गुरु. परचेज टू गुरु. कैश आ रहा है कहीं पे? हमसे कोई मतलब नहीं. अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और हमारे पीछे वाला गिर गया, उठाई गिरा हुआ सर. समझ में आ गया? सोल्ड गुड्स टू सोमू ऑन क्रेडिट. जर्नल एंट्री चिल्ड्रन. नहीं नहीं मतलब है, मतलब है, मतलब है, यहां पे नहीं है, मतलब है. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा. तो जर्नल एंट्री दिमाग में बनानी है आपको. व्हाट इज द एंट्री चिल्ड्रन? सोमू टू सेल्स. डू वी सी कैश? भाड़ में जाए मरे जाके, हु केयर्स. पेड टू गुरु. गुरुज अकाउंट डेबिट टू कैश. गुरु का लेजर बनाते तो क्या लिखते? टू कैश. वो तो बना ही नहीं रहे. कैश में क्या लिखेंगे? वेरी गुड. गुरु नहीं लिखना है. बाय गुरु भी लिखेंगे तो चलेगा. कीड़ा काटा है अगर अकाउंट लिखने का तो अपोस्ट्रोफी एस. एकदम लेजर है. आप समझना है क्यों बोलता हूं कि जनरल लेजर बहुत कायदे से पढ़ लीजिए, अकाउंट से प्रॉब्लम नहीं होगी. नहीं पढ़ेंगे तो भी नहीं होगी. नो स्टडी नो प्रॉब्लम. चलिए, जीवन में प्रॉब्लम होगी, अकाउंट से प्रॉब्लम नहीं होगी. कैश रिसीव फ्रॉम सोमू. कुछ लोग बोलेंगे जब सोमू से पहले मतलब नहीं था, बर्थडे में नहीं बुलाया तो आज क्या बुला लिए? अरे रिश्तेदारी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. तो सोमू से पहले यहां मतलब नहीं था. सोमू से पहले होता है ना, और रिश्तेदार हमको सगाई में तो नहीं बुलाए थे, आज क्या बुला लिया? हम आज भी नहीं जाएंगे. अरे नहीं जाओगे अपना नुकसान करोगे. 501 देना है, 5001 का खाना है. समझ में आ गई बात? तो कैश रिसीव फ्रॉम सोमू. व्हाट्स द जर्नल एंट्री बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सोमू. सोमू का लेजर बनाते तो क्या लिखते? एक तो सर जो सोची वो पूछते ही नहीं है. सोमू का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वो तो नहीं बन रहा. कैश में क्या लिखेंगे? टाटा सुमो मत लिख देना. वैल्यू 8,000. डेट डिसंबर 17th. या वो ओब्लिक करके भी लिख सकते हैं स्वाद अनुसार. समझ में आई बात बच्चों? आप मेरे को इस कैशबुक को देखकर एक आंसर दीजिए बच्चों. इन दोनों चीजों में कोई सिमिलैरिटी है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और किस जगह पे डेबिट हुए? कैटेगरी ऑफ अकाउंट इज. व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? मतलब दीज थिंग्स आर कमिंग इन. तो एक बात ये क्लियर हो गई दैट इफ आर ट्रांजैक्शन सिग्निफाइज रिसेप्ट, कहां पे लिखेंगे? डेबिट में. और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है चलन? क्रेडिट साइड है एंड दे रिप्रेजेंट पेमेंट. तो ट्रांजैक्शन देख के बच्चों रिसिप्ट और पेमेंट पकड़ लोगे कि नहीं? तो अगर रिसिप्ट है तो कहां पे लिखना है? पेमेंट है तो कहां लिखना है? सर ये तो बढ़िया, जर्नल एंट्री नहीं भी आती तब भी हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. यही स्पीड मेंटेन करने की ट्रिक है. अगर एक एक एंट्री दिमाग में करके पोस्ट करेंगे, एग्जाम में पेपर जाएगा छूट, मार्क्स जाएंगे लूट. समझ में आ गया? अब दिल जाएगा टूट, अदोस जाएंगे रूट. समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस. बताइए भाड़ में गई एंट्री, मरे जाके हमसे क्या मतलब? पेमेंट है कि रिसिप्ट है? ये बढ़िया जुगाड़ था सर. बाय व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेड एक्सपेंसेस. वैल्यू, वैल्यू 10,000. करेक्ट, पेमेंट था ना भाई. जर्नल एंट्री क्या होगी? अच्छा बताइए, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश. ट्रेड एक्सपेंसेस का लेजर बनाते तो क्या लिखते? टू कैश. वो तो नहीं बन रहा. कैश में क्या लिखेंगे?
बट इतना सोचने की जरूरत क्या जब मैंने आपको ट्रिक बता दी तो, नहीं समझे क्या? जो नाउन होगी, जो अकाउंट होगा वो तो सेम ही रहेगा। हाँ बाय पेड मत लिख देना आप, इतना यूजर फ्रेंडली ना हो जाना, अपना ऐसा ही दो। नेक्स्ट 21st रिसीव चेक फ्रॉम कृष्णा, चेक मिला कृष्णा से, कहीं लिखा कि वो बैंक में गया कि नहीं गया, तो क्या करेंगे पानी में बेसन घोल के चेक को उसके अंदर डुबो के उसकी भजिया बना लेंगे? नो, बैंक में ही भेजेंगे, बैंक में ही भेजेंगे। क्या जर्नल एंट्री होगी? चेक इन हैंड क्यों होगा जब बैंक में भेजेंगे तो? बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, बैंक टू कृष्णा, एंट्री चेक इन हैंड टू कृष्णा होनी चाहिए, बट आगे कहीं लिखा नहीं कि बैंक में गया, तो वी विल अज्यूम कि सेम डे चला गया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू कृष्णा। क्या यहां कुछ रिकॉर्ड होगा बैंक का? नो, भाड़ में जाए। देन कमीशन रिसीव्ड, रिसिप्ट है कि पेमेंट है बच्चों? विच साइड? डेबिट साइड। और जर्नल एंट्री अगर आपसे पूछी जाए तो व्हाट इज द एंट्री चलन? कैश टू कमीशन, रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे चलन? टू कमीशन। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो डेबिट टोटल आपको 93 नजर आ रहा है बच्चों, डेफिनेटली क्रेडिट कम होगा। सर ये आपको पहले से कैसे पता लग जाता है क्या? नहीं, थोड़ा सा मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूंगा। कैश अकाउंट है ना, कैन यू ईट मोर देन व्हाट इज कुक्ड इन योर होम एंड अवेलेबल इन द मोहल्ला? नो, मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन चेंज। समझ में आ गया लॉजिक वही है बच्चों यहाँ पे। कैन यू पे मोर देन 93? बिजनेस तो आप 100 करोड़ का कर लीजिए उधार में, बट पेमेंट 93 से ऊपर नहीं हो सकता। तो कैश में कभी भी डेबिट में शॉर्टेज आएगी नहीं, हमेशा डेबिट एक्सेस होगा। शॉर्टेज कहां पे आएगी बच्चों? क्रेडिट साइड। चलिए लेट स्टार्ट। सो 25 प्लस 6 इज 31, 31 प्लस 10 41, कितना होगा? 41। 93 माइनस 41 इज व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड इज शॉर्ट और डेबिट साइड इज शॉर्ट? We'll start the posting with BY buy or TO2? क्या लिखेंगे आगे? CD carried down. And here we'll write 2021 January 1st to balance brought down. So two capital account जो आपने लिखा था, it signified कि आपका business नया है। बट फेब्रवरी में, सॉरी जनवरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग सिंस मेनी मंथ्स, डेज और इयर्स। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है बच्चों, ये आपका कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ये क्लोजिंग है, तो कैरी डाउन क्या था? क्लोजिंग। ट्रिक याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, बताया था सी से छोटा, सी से कैरी डाउन और सी से क्लोजिंग, बी से बड़ा, बी से ब्रॉट डाउन और बी से बड़ा हुआ हायर साइड पे। क्विकली कंप्लीटेड, क्विकली आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं दैट इस 52,000 का मतलब क्या है, तो आपका सिंपल आंसर होगा सर रिसिप्ट 93 का था, पेमेंट इज 41, वी आर लेफ्ट विद, विल वी बी थ्रोइंग दिस मनी इन रिवर गंगा और यमुना? नहीं सर, थेम्स नदी में चलते हैं लंदन, या वो नाइजीरिया में कौन सी नदी बहती है, नाइल नदी, वहां चलते हैं सर, वहां पता भी नहीं लगेगा, ठिकाने लगाते हैं इसको। नो, दिस मनी विल बी यूज्ड फ्रॉम जनवरी 1st ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यू करेंगे इस पैसे को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो इस पैसे को जनवरी में आप क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? ओपनिंग बैलेंस। व्हाट? ओपनिंग बैलेंस। सो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंटेंट वॉज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी। बट अब क्वेश्चन आपको ये नहीं लिख के देगा, अब क्या लिख के देगा? अब क्वेश्चन आपको ओपनिंग बैलेंस देगा। क्या देगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। दिमाग की बत्ती जलाइए मिंटोस खाए बगैर। ओपनिंग बैलेंस का मतलब लास्ट ईयर कितना बचा था। सो आपको यहां पे नजर आ रहा है बच्चों बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000। इज इट सेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हियर? नो। तो अब आप जब अपना स्टार्ट करेंगे कैश बुक बनाना, तो आपको ओपनिंग बैलेंस तीन तरह से सिग्निफाइड होगा। हाउ चिल्ड्रन? ईदर क्वेश्चन विल गिव द टेक्स्ट कैश इन हैंड, और क्वेश्चन विल गिव द टेक्स्ट कैश बैलेंस, और क्या लिखा होगा? कैश डेबिट, मतलब डेबिट बैलेंस ही होता है इसका। तो अब सर कैसे स्टार्ट करेंगे? अब आप सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, जैसे ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग सिखाई थी डिट्टो वही काम चल पाया। समझ में आ गया? तो अब आप जितना भी चैप्टर अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे ना बच्चों, वो कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर होगा, बट एप्लीकेशन जर्नल और लेजर का होगा। दुनिया की कोई भी कार देख लीजिए, भाई स्टीयरिंग व्हील, चार पहिए, ऑटोमेटिक या मैनुअल, ये सब कुछ तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ कलर शेप डिजाइन दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपको बेसिक गाड़ी सिखा दी गई है, अब कलर डिजाइन शेप चेंज होता रहेगा। रेडी एवरीबडी? सो हाउ टू पोस्ट ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे इट विल अपियर एज द फर्स्ट आइटम, और क्या लिखेंगे? तो मतलब जहां पे आपने पिछले क्वेश्चन का समापन किया था वहीं से आपका अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इफ इट इज मेंशन्ड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या लिखेंगे आप सबसे पहले? कैपिटल। एंड इफ इट इज मेंशन्ड ओपनिंग बैलेंस, व्हाट वी विल राइट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रेडी चिल्ड्रन? सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्वेश्चन नजर आ रहा है? चलिए फटाक से एक कैश बुक का फॉर्मेट और बना लीजिए, और अब हम इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ इट इज अ रिसिप्ट वील पोस्टेड वेयर, डेबिट। एंड इफ इट इज अ पेमेंट वील पोस्टेड वेयर, सिंपल एज दैट ऑन द क्रेडिट साइड। ड्रॉ द फॉर्मेट फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या लिख देंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नवंबर 1st, व्हाट वाज द ईयर? 2000। ओके, चलिए क्या वैल्यू है चलन बैलेंस ब्रॉट डाउन की? 4000। चलिए, और अब जर्नल एंट्री गई भाड़ में, ट्रिक अप्लाई करिएगा, बट आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए क्योंकि कभी कभी आप फंस जाएंगे ट्रांजैक्शन में, तो फिर वो जर्नल एंट्री बना के आप सॉल्व कर लेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम पी से इन कैश, कैश रिसीव्ड और पेड चिल्ड्रन? पेड किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड। व्हाट टू राइट? बाय परचेज अकाउंट 700। आंसर? हाँ, डेट इज 3rd नवंबर 3, 2000। करेक्ट। कंफर्म? चलें आगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड रुपीज 560 फ्रॉम डी डे, रिसिप्ट है पेमेंट है? विद साइड? डेबिट साइड। और अगर जर्नल एंट्री आपसे पूछी जाए रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम डी डे, व्हाट्स द जर्नल एंट्री? कैश टू डी डे, तो कैश में क्या लिखेंगे? टू डी डे। डैडी मत लिख दीजिएगा। डेट वॉज नवंबर 6 और अमाउंट इज 560। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, बी बसु पेड रुपीज 950 फॉर सेल ऑफ गुड्स इन कैश, कहीं लिखा है कि फॉर गुड्स सोल्ड अर्लियर? नो, बट स्टार्टिंग में लिखा है बी बसु पेड। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, इसे सेल माने या बी बसु से कलेक्शन माने? सेल मानेंगे तो जर्नल एंट्री कैश टू सेल होगी, और बी बसु से कलेक्शन मानेंगे तो एंट्री होगी कैश टू बी बसु। क्या माना जाए आपके ओपिनियन में? कैश टू बी बसु माना जाए कि कैश टू सेल्स माना जाए? कैश टू सेल्स माना जाए, क्योंकि यहां पे ये नहीं लिखा कि सेल पहले हुई थी, ये नहीं लिखा कि सेल पहले हुई थी। अगर ये लिखा होता बी बसु पेड रुपीज 950 फॉर सेल ऑफ गुड्स इन कैश विच वॉज डन अर्लियर, तो भाई डन अर्लियर अगर कैश सेल थी तो पैसा उसी समय मिल गया, तो आज अगर मिल रहा है तो आज का पैसा मिल रहा है ना, तो इट इज सेल का पैसा मिल रहा है। क्या होगी जर्नल एंट्री? सेल की एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल्स। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू 7950। बी बसु से सेल का पैसा कैश में मिला, क्या होगी जर्नल एंट्री? क्योंकि यहां पे अगर बी बसु पैसे दे रहा है, और अगर ये होता कि पहले सेल हुई तो उसका पैसा आज दे रहा है, तो ये वर्ड नहीं होता सेल ऑफ गुड्स इन कैश, फिर होता सिर्फ बी बसु पेड रुपीज 950 फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम अर्लियर, तो हम मानते हैं कि आज पैसे बी बसु दे रहा है। ठीक, 950 7 तारीख को। नेक्स्ट, रिसीव्ड रुपीज 130 फ्रॉम ए सिंह फॉर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिल रहा है या ए सिंह से पैसा मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर ए सिंह से मिलता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे तो लगेगा ये डेटर था, बट हमको डेटर से पैसा नहीं मिल रहा, हमको इनकम मिल रही है। इट्स अ रिसिप्ट और अ पेमेंट, किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड। व्हाट वी विल राइट टू? इंटरेस्ट, बिकॉज द जर्नल एंट्री इज कैश टू इंटरेस्ट। कितना था?
130. नेक्स्ट, सैलरी पेड टू ऑफिस मैनेजर, पेमेंट और रिसिप्ट? पेमेंट 10 तारीख को 550 रुपए. विच साइट चलन वी शुड राइट दिस? क्रेडिट साइट. क्या लिखेंगे? बाय सैलरी. हाउ मच? 550. विड्रू फॉर पर्सनल यूज, रिसिप्ट है कि पेमेंट है? रिसिप्ट है. रिसिप्ट है या पेमेंट है? रिसिप्ट होगा. इसका मतलब इन लोग बच्चों को बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं याद. बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं या बिजनेसमैन के? बिजनेस से पैसा निकाला ना, तो बिजनेस के लिए रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ? बिजनेस से पैसा निकल के बिजनेसमैन के पास गया ना, तो रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ? रिसिप्ट. बिजनेस से पैसा निकल के बिजनेसमैन के पास जा रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? इट्स अ पेमेंट. इट्स अ पेमेंट. एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री. ड्रॉइंग्स टू कैश. और कभी फंसे तो जर्नल एंट्री देख लीजिए. ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश क्रेडिट में आ रहा है ना, तो पेमेंट हुआ कि रिसिप्ट हुई? आप बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहे हैं. सोचना किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से. बिजनेस से पैसे जा रहे हैं और बिजनेसमैन के पास आ रहे हैं. हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? बिजनेस की. तो बिजनेस के लिए क्या होगा? ये पेमेंट होगा ना. चलिए, तो जर्नल एंट्री हुई, ड्रॉइंग्स टू कैश. व्हाट टू राइट? बाय ड्रॉइंग्स. और जब ये सब चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, विड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस इंडिकेट्स रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंस, 99% बेवकूफ टिक करेंगे रिसिप्ट पे. पैसा आ रहा है ना. अरे बिजनेस के प्रस्पेक्टिव से सोचना है. किसके? बिजनेस के प्रस्पेक्टिव से. 13. एंड व्हाट्स द अमाउंट? 250. समझे बच्चे एमसीक्यू में क्यों फंसते हैं? क्योंकि तोते की तरह न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लेते हैं. जहां कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट हुई, भूल गए. अंडरस्टूड? मेरे से किसी ने पूछा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं. मैंने कहा 100 आया ना आपका. अरे ऑब्वियसली बात है, मैं स्टूडेंट हूं जो मेरा आएगा, मेरे स्टूडेंट का आया होगा 100, इसलिए मैं खुश हूं. समझे बात को कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए. चलिए, पेड ऑफिस रेंट. सर किसके ऑफिस का पे किया है? पड़ोसी के ऑफिस का. तो यहाँ पे क्यों होगा फिर? वॉट इट क्लियर? पेड ऑफिस रेंट, इट्स अ रिसिप्ट और पेमेंट? चिल्ड्रन, पेमेंट. व्हाट टू राइट? बाय ऑफिस रेंट, या सिंपली रेंट भी लिखेंगे तो चलेगा. डेट इज व्हाट? 14/14. अच्छा, चिल्ड्रंस डे हो गया मतलब. एंड अमाउंट इज व्हाट? 120. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू जी खान फॉर कैश, जर्नल एंट्री चलन. कैश टू सेल्स किधर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू सेल्स. वैल्यू? डेट? नेक्स्ट, 16th था, 750 था ना. हाँ ठीक है. परचेज अ टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज, रिसिप्ट और पेमेंट? पैसा दिया हमने, किस साइट पे लिखेंगे? 18th को है, 2400 रुपए. What to write children? Buy typewriter. I hope so. Nobody is willing to write buy purchase. Value kya bachon? Kitna? 2400. Very good. Withdrew from bank. Receipt hai ki payment hai? Receipt. Bank se paisa business ke andar aya. Aur agar confused ho gaye, कोई बात नहीं, जर्नल एंट्री करके देख लो. क्या होती है बैंक से पैसा निकालने की? क्या क्या क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. वेरी गुड. तो चिल्ड्रन क्या लिखेंगे कैश अकाउंट में? टू बैंक. हाउ मच डिड वी टुक आउट? एंड डेट क्या थी? नवंबर 20. जनवरी कहां से चलाया? नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹430 फ्रॉम डी नाग. इसको करने से पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिए. क्या कहीं पे लिखा है कि ये चेक कल को बैंक में गया? पढ़िए, बिना पढ़े जवाब मत दिया करिए. कोई लोग नहीं करने दी. 25 तारीख को ये चेक बैंक में गया. तो आज बच्चों जर्नल एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डी स्नेक मत लिख दीजिएगा. और ये 25 तारीख को जब चेक बैंक में जाएगा, ऑन दैट डे बैंक विल बिकम द रिसीवर. एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. तो हमारी इन दोनों एंट्रीज का क्या कैश से कोई लेना देना है? नो. तो हमको इनसे कोई लेना देना
नहीं है, तो विल पुट अक्रॉस हेयर एंड अक्रॉस हेयर. ट्रेवलिंग अलाउंस मैनेजर को दिया गया था कहीं ऑफिस के काम से. व्हाट इज द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री. अलाउंस या ट्रेवलिंग चार्जेस टू कैश, तो क्या लिखेंगे? बाय ट्रेवलिंग अलाउंस चार्जेस, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे लिख लीजिए. वैल्यू इज 220. ये चेक वाला समझ में आ गया कि नहीं? कभी भी फंसे ब्रह्मास्त्र, जर्नल एंट्री कर दीजिए, काम खत्म. ये सोचा कभी भी दुख होता है भगवान के सामने बैठ जाते हैं, तो आपके भगवान कौन है? जर्नल. पेड सी बाशु, चीनी खाली थी बासु ने तो बाशु बन गया. तो पैसे दिए हैं इसको, रिसिप्ट और पेमेंट चिल्ड्रन. जर्नल एंट्री क्या बताइए? सी बाशूज अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश में क्या लिखेंगे? बाय सी बाशूज अकाउंट, हाउ मच? 830. रिसीव्ड कमीशन, व्हाट्स द जर्नल एंट्री? कमीशन डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. उस लोग ने कमीशन आ रहा है, मारो दाएं से डेबिट. क्या लिखेंगे? टू कमीशन अकाउंट, वैल्यू 250. पेड बंगाल प्रेस फॉर एडवर्टाइजमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट? पेमेंट क्या लिखेंगे? बाय 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 बाय, कल मिलेंगे, बाय. दो तीन बार बाय बोल के जगह भरती है. बाय एडवर्टाइजमेंट लिखिएगा, दैट साउंड्स मच मोर मटेरियल देन बंगाल प्रेस. चलिए समझ में आ गया. बाय डिफॉल्ट सबको पता है पहले से शॉर्टेज किधर होगी चिल्ड्रन. चलिए तो लिख दीजिए नवंबर 30th बाय बैलेंस सीडी, और यहां पे लिखेंगे बच्चों दिसंबर 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. गेट मी द अमाउंट ऑफ बैलेंस क्विकली. डेबिट टोटल इज चिल्ड्रन 7,240. चलिए सब्जी वाले की तरह क्रेडिट टोटल भी फाइंड आउट कर लेते हैं. 705.50 is 1250, 250 is 1500, 1620, 4020, 4240, 4500 और 830 जोड़ दो, 5330. नहीं आएगा इतना. 700 प्लस 550 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 2400 प्लस 220 प्लस 830 एंड 60, 5130 सॉरी, माइनस 7240. शगुन का 2110 रुपया. समझ गए? एंड सेम विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फुल बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो हार्ट अटैक वाला आंसर देते हैं. चलिए भाई, एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन, समझ में आ गया? हाँ, क्या कह रहे हैं? 7240 नहीं आएगा टोटल. टोटल तो 7240 आ रहा है डेबिट का. 7240 इज नॉट कमिंग. क्रेडिट टोटल लिखते थोड़े हम लोग तो हायर साइड का टोटल लिखते हैं ना, पढ़ाया तो शायद ऐसे था लेजर में. चलिए धूप उप लग गई होगी, हो सकता है. लिख दीजिए फास्ट बच्चों. तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्ड एज सिंगल कॉलम कैश बुक? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? चलिए तो आते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे. चलिए भाई, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ नजर आ रहा होगा, और घूम गया और घूम गया. हाँ चलिए चलन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. इट्स सेइंग Enter the following transactions in the books of Mr. Ripinder. Ripinder started business with cash. सबको मिल गया? पक्का बन जाएगा? Confirm? बनाइए cash book का format. Very good. So, मैं जरा इसकी journal entries आपको बताता हूँ. The first one will have cash to capital. अब आप answer करेंगे. Purchased furniture, what will be the journal entry for this? Furniture to cash. Purchase goods for cash children, purchase to cash. Paid freight, freight मतलब ट्रॉली वाले का भाड़ा, freight account debit to cash.
sold goods for cash, cash to sales. Paid to Ramlal, Ramlal to cash. Ram Red मत लिख दीजिएगा. Ram Red to cash. ये नहीं होगा. Ramlal to cash. Sold goods for cash, cash to sales. Paid wages, wages to cash. Purchase goods, debit to cash. नाम लिखा नहीं है तो इसका मतलब cash transaction. Paid rent, rent account debit to cash. हो जाएगा चलन? नहीं हो पाएगा पक्का. चलिए 7 minutes time complete super quickly. चलिए भाई तो let's check चलन, let's check. सबसे पहले आपने लिखा होगा टू कैपिटल, फिर आपने लिखा होगा बच्चों टू सेल्स ऑन द डेबिट साइड, फिर आपने लिखा होगा टू सेल्स ऑन द डेबिट साइड और सेवा हो गई समाप्त. क्रेडिट साइड चलन बाय फर्नीचर, बाय परचेज, बाय फ्रेट. मैं चेक करवा रहा हूं, लोगों को चेक करना है. बाय रामलाल, राम रेड तो नहीं लिख दिया, और उसके बाद बाय वेजेस, बाय परचेज, बाय रेंट. समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया. तो डेबिट में वैल्यू आई 2 लाख की, देन 28,000, देन 10. तो डेबिट टोटल इज 238, करेक्ट चलन? और आप लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, इजंट इट? चलिए चेक करिए. तो 238 तो ये हो गया, और आपने लिखा होगा बाय बैलेंस सी ओब्लिक टी. जरा क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं. टोटल यहां पे तो 80,750 आ रहा है, 1,750, 1,03,000 और 25, 128. और ये है सो कॉल्ड 238. कितना आएगा बैलेंस? 1,10,000. वेरी डिफिकल्ट. समझ में आ गया हाउ टू डू दिस? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 इज एन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 इज एन होमवर्क, 4 भी होमवर्क है, 2, 3, 4, 5, 6 इन होमवर्क. समझ में आ गया? 2, 3, 4, 5, 6 इन होमवर्क. समझ गए पक्का? तो ये था सिंगल सिम कार्ड. आपको ये जानने में बहुत उत्सुकता होगी कि सर ये डबल सिम वाले मोबाइल कहां से इन्वेंट हुए, ये आपको अगले लेक्चर में ज्ञान दिया जाएगा. चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे.